नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम कार चलाना सीखेंगे। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल अलाइनमेंट गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गाड़ी से जुड़ी हुई हर प्रॉब्लम की जानकारी हम वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं। तो आज की वीडियो में कार चलाने से पहले जो हमारी बेसिक जानकारी होती है कार ड्राइविंग की, उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो में आप देख चुके हैं कि हमने क्लच और ब्रेक और गियर का जो अभ्यास होता है वो बताया था। उसके आगे जो हमारी एसेसरीज और होती हैं कार ड्राइविंग में जो हम यूज करते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेंद्र भाई। नमस्कार जी। और ये अभी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो इनको ही बताएंगे इसके बारे में। तो गाड़ी को खोल लेते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। तो गाड़ी में जब हम बैठते हैं तो सबसे पहला जो काम है हमारा सीट एडजस्ट का है, वो हमने बता दिया कल आपको। और उसके बाद में ये हमारी सीट बेल्ट है, और गाड़ी चलाने से पहले ये लगाना बहुत ज़रूरी है। ये सीट बेल्ट है, और ये सीट बेल्ट कैसे लगाते हैं तो ये हम इसको ऐसे लगाएंगे। और ये सीट बेल्ट का ये आपका दे रखा है, देखिए यहाँ पे ये लॉक हो जाता है। तो ये इसका स्टीयरिंग सादा है। वैसे और गाड़ियों में क्या होता है कि एयरबैग आता है, और ये एयरबैग भी जब ही खुलता है जब हमारी सीट बेल्ट लगी रहती है। तो ये सेफ्टी वाइज ये फीचर्स आते हैं गाड़ी में, तो हम सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डोर हैंडल है, बाकियों में स्विचेस वगैरह होते हैं। जैसे आपका यहाँ भी स्विच होता है, हमें अगर ये गिलास खोलना है तो यहाँ स्विच होता है, उससे खोलते हैं। या कई गाड़ियों में यहाँ पर होता है गियर के पास स्विच, वो कंपनी के ऊपर है किस गाड़ी में कौन सा फीचर्स है। उसके बाद ये हमारा यहाँ से हमें लाइट जलाते हैं। ये लाइट आपका पार्किंग लाइट है, ये हेडलाइट जल गई। उस हेडलाइट को भी डिपर होता है एक, जैसे हम इसको ऐसे डायरेक्ट डिपर दे सकते हैं या ऊपर नीचे करके हेडलाइट को लो बीम हाई बीम कर सकते हैं। तो ये आपका हेडलाइट का हो गया। जब हम रात में गाड़ी चलाएंगे तो हेडलाइट जलाएंगे, या हमें गाड़ी कहीं खड़ी करनी है तो खाली पार्किंग लाइट जलाएंगे। उसके बाद में ये इंडिकेटर्स होते हैं, जब हमें लेफ़्ट मुड़ना है तो ये इंडिकेटर हमें आगे की तरफ करना पड़ता है, और जब राइट मुड़ना होता है तो नीचे की तरफ करना होता है। ये आपका यहाँ पे एक ये दिया होता है स्विच, जब हम गाड़ी पार करते हैं बीच रोड पे या कहीं हमारी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो ये इसके लिए ये चारों इंडिकेटर्स जल जाते हैं हमारे। तो ये इंडिकेटर्स चारों जलाने के लिए हैं। बहुत सी गाड़ियों में यहाँ कहीं पर भी हो सकता है ये चीज़। उसके बाद ये वाला लीवर आता है, ये मेनली वाइपर का होता है, ये बारिश के लिए है जब हम बारिश में ड्राइविंग करते हैं। और ये आपकी पहली स्पीड है, ये दूसरी स्पीड है, ये तीसरी स्पीड है। इसमें तीन स्पीड होती हैं, तो जब भी हमें जितनी स्पीड चाहिए बारिश के हिसाब से, जितनी बारिश की स्पीड होगी उसी हिसाब से हमें इसकी स्पीड रखनी पड़ती है। या हमारा बारिश के टाइम जब ये शीशा है गंदा हो जाता है तो इसको हमें ऐसे दबा के, इसमें एक पानी की बोतल होती है जो शीशे के ऊपर पानी आता है, तो इससे हम पानी इसका कर सकते हैं। देखिए मैं ऑन कर दिया है, और ये जो आवाज़ आएगी मोटर की, ये मोटर चलती है तो यहाँ से पानी निकलता है, और उसके बाद हमारे वाइपर चल जाते हैं। तो ये देखिए ऐसे चलते हैं, तो ये इसके लिए है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये हमारा जो सामने का ये व्यू है, इसमें एसी वगैरह होता है। जैसे आपका ये एसी है, यहाँ एसी चलाएंगे तो ये एसी की जो हवा है वो है यहाँ पे बंद हो जाता है। यहाँ पहले स्पीड है, यहाँ दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांच स्पीड है जैसे चल चुका है देखो। और एसी चलाएंगे तो इसको हम, ये एक ये होता है, इसमें अंदर की हवा बाहर या बाहर की हवा अंदर हमें लेनी हो तो वो चीज़ है। एसी को कितना कूल करना है ये, इसके लिए ये बटन दिया होता है। और एसी को डायरेक्शन में रखना है, सामने पे नीचे पैरों में, ये उसके लिए होता है। तो ये फीचर्स होते हैं इसमें गाड़ियों में। बाकी और गाड़ियों में अलग अलग फ़ीचर्स आते हैं, वो हम आपको दिखाते रहेंगे वीडियो में। तो
हमारी सुरेंद्र भाई हैं, इनको ये देखते हैं आज अभी कितना सीख गए हैं, तो इनको बिठाते हैं ड्राइविंग सीट पे। दोस्तों आज हमारे साथ हैं सुरेंद्र भाई और ये गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो ये अभी कितना सीख पाए हैं, अभी एक दो दिन हुए हैं, इनको हमने बताया बेसिक जानकारी, तो अभी चलाएंगे आपके सामने। तो गाड़ी को स्टार्ट कीजिए एक मिनट। तो गाड़ी इन्होंने स्टार्ट कर दी है, गियर डालते हैं, पहला गियर डाल दिया है और क्लच, अब ये एक्सपर्ट हो गए हैं क्लच छोड़ने में, क्यों पहले शुरुआत में बंद हो जाती थी इन पे। अब देखो बैक गियर लगाएंगे, गाड़ी को पीछा करेंगे क्योंकि गाड़ी आगे जगह नहीं है, तो आराम से चलाइए, कोई जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ी नहीं। तो शुरुआत में धीरे धीरे ही चलाएं, पहले दूसरे गियर में चलाएं, वैसे भी रास्ता ये ख़राब है, यहाँ तो और गाड़ी आराम से चलानी चाहिए, धीरे 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 धीरे। यहाँ पर जो स्पीड है वो केवल 20 की होनी चाहिए, यानी दो सेकंड गियर से गाड़ी आगे चल ही नहीं पाएगी। तो ये दो तीन दिन में काफ़ी कुछ सीख गए हैं, देखिए शुरुआत में स्पीड को कम रखें, मेंटेन रखें और ज़्यादा हड़बड़ी ना मचाएं, आराम आराम से गाड़ी चलाएं, मतलब क्योंकि रास्ता भी देखना पड़ता है, आगे कोई आ रहा है जा रहा है, कोई जानवर है वो भी देखना पड़ता है, तो आराम से ही स्पीड को मेंटेन करके रखें और जहाँ टर्न लेना हो वहाँ आराम से टर्न लें। तो ये आगे पीछे अभी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं बैक में लेने की गियर। तो दोस्तों आप भी इस तरह से अपनी गाड़ी चलाना सीख सकते हैं, कुछ ही दिनों में आप एक परफेक्ट ड्राइवर बन सकते हैं। दो तीन दिन हो गए हैं इन्हें, काफ़ी कुछ सीख चुके हैं और गाड़ी चलाना काफ़ी सीख गए हैं, और ऐसे ही प्रैक्टिस दो चार दिन में ये करके एक अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम आगे पीछे और यहीं चौड़े ग्राउंड में गाड़ी को चला के देख रहे थे, अब रोड की तरफ ले जाते हैं, रोड पे गाड़ी कैसे चलाते हैं, कैसे स्टीयरिंग को सीधा रखते हैं ये आप देखेंगे। तो स्टीयरिंग को आपको सीधा ही रखना है, जब हमें लगता है कि गाड़ी लेफ़्ट जा रही है तो हल्का सा राइट करेंगे, राइट जा रही है तो हल्का सा लेफ़्ट करेंगे, इस तरह से गाड़ी को सीधा ही रखना है, मतलब स्टीयरिंग को सीधा ही रखना है, जब हमें टर्न लेना है तभी मोड़ना है और इंडिकेटर यूज करना है, सीट बेल्ट लगानी है, तो ये बेसिक जानकारी हमें पता होनी चाहिए। यहाँ थोड़ा सा जाम है, हमने ब्रेक लगा दिया हल्का सा, फिर रास्ता साफ मिल गया, फिर हमने आगे गियर लगाया दूसरा और फिर आगे स्पीड बढ़ा दी। तो शुरू शुरू में गाड़ी को धीरे ही चलाएं, स्पीड कम रखें, जिससे हमें ब्रेक लगाने में या आगे कोई चीज़ आ जाए तो उसे गाड़ी को कंट्रोल करने में टाइम मिल जाए। तो यहाँ से रास्ता बंद है, यहाँ से वापस लेंगे और ऐसे ही यूटर्न ले लेंगे, हाँ ऐसे ही ले लो। यहाँ पर देखो काफ़ी जगह है, यूटर्न लिया जा सकता है, तो यहाँ से यूटर्न लेंगे, वापस यूटर्न लेके आ गए हैं। शुरू शुरू में आप ऐसी खाली रोड हों उन पर चला कर देखें, शुरुआती दिनों में भीड़ वाले रास्ते पे ना जाएं, जहाँ थोड़ा खुला रोड मिलता है वहीं चलाने की कोशिश करें, और जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, आप अच्छा गाड़ी चलाने लगें, तब फिर भीड़ वाले इलाकों में भी चलाकर देख सकते हैं। गाड़ी बैक करने की भी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही होता है सारा कुछ। अब देखिए फिर हम यू टर्न लेंगे एक राइट वाला, ये राइट यू टर्न ले लिया है, यहाँ पर खाली रोड है इसीलिए हम इसी यहीं पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेन हाईवे पर जाना सही नहीं है, जब हम परफेक्ट हो जाएंगे पूरा तब हाईवे पर चलाएंगे, और हाईवे पर चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हमारे पास होना चाहिए।
ये 2-3 दिनों में ही काफ़ी अच्छी गाड़ी चलाना सीख गए हैं दोस्तों। देख लो, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहें धीरे धीरे, तो 2-4 दिन में ही गाड़ी चलाना हम सीख जाते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।